गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की चोन होके हटी है जिहड़ी कि प्रधान अते अहुदेदारां दी चोन सी, क्योंकि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी साडी ओह संस्था है जिहनूं दुनिया विच असीं सिख पार्लीमेंट करके भी सतिकार दिंदे हां। ते श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दा इतिहास जिहड़ा है वह बड़ा लहू भिज्जा इतिहास है, बड़ा महान इतिहास है और दुनिया भर दीआं नज़रां जिहड़ीआं उस संस्था ते लगियां हुंदीआं। लंबे समय तो तकरीबन 104 साल का समा हो गया जो श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी होंद विच आई, उहदे नाल ही एक महीने बाद श्रोमणी अकाली दल बनिया श्री अकाल तख्त साहब दे उत्ते। उहदा कोई परपज सी, उहदा कोई मंतव सी, श्रोमणी अकाली दल क्यों बनाया सी? उहदा मकसद सी कि मसंदा कोलों गुरद्वारे आजाद कराए, गुरधाम आजाद इस लिए कराए सी कि गुरमत दी जिहड़ा प्रचार प्रसार किया जा सके, गुरु ग्रंथ साहिब दा फलसफा दुनिया च पहुँचाया जा सके, घर घर अंदर धर्मसाल होवे, कीर्तन सदा वसोआ कहन तो भाव हर घर दे विच बाणी दा वासा होवे। ते श्रोमणी अकाली दल एक सियासी तौर दे उत्ते जथेबंदी बनाई सी कि वह उसकी सुरक्षा करे, एक वार्ड बन के काम करे। ये उन्हां दी मदद वास्ते उन्होंने जिहड़ा धर्म का प्रचार प्रसार करना हुंदा है वह उन्हां दे नाल बांह नाल बांह बन के खलोण। अज जिहड़ा साडा वर्ताव चल रहा है लंबे समय तो, क्योंकि असी इस गल दे उत्ते माण करते हैं कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी एक ऐसी संस्था है, धार्मिक संस्था, जिहदी चोण जिहड़ी है वह भारत सरकार दे इलैक्शन कमीशन द्वारा कराई जाती है। दुख की गल यह है कि तकरीबन 13 साल हो गए, 14 साल, क्योंकि ये जो चोन हुई है 11 दे विच, अज 13 साल हो गए। ये चोन 13 साल ना होण करके साडा उत्थे बहुत वड्डा नुकसान हो रहा संस्था का। पहला 5 साल बाद ही चोन हुंदी सी जदों जे देश नहीं सी डिवाइड होया, वड्डा पंजाब सी, पंजाब सरकार चोन करांदी सी, उस तो बाद जो डिवीजन हुई है फिर पंजाब इत्थे जदों बणिया वड्डा पंजाब ही सी, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़ सारा विच पा के उदों भी 66 तक 5 साल ही हुंदी रही, 5 साल बाद ही हुंदी रही। लेकिन ज्यों ही 1966 तो बाद पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ बन गया, हिमाचल बन गया, उस तो बाद कभी 18 साल बाद, कभी 11 साल बाद, कभी 13 साल बाद, तो ये चोन का सिस्टम जिहड़ा सारा खराब हो गया, जिहदे करके जिहड़े मैंबर लंबे समय तो चलते आते हैं उन्होंने मैंबर के वो गल नहीं रह जाती जिहड़ी गल वास्ते असीं चोन करके भेजते हैं। पर लंबे समय तो महसूस किया जाता कि यह सिखां की संस्था सी सारयां दी, सिख अज दुनिया भर च फैल गए तो नुमाइंदगी सिखां दी करन वास्ते इस संस्था नूं बिल्कुल उन्हां दी आवाज़ बन के तुरना पऊगा। तो अज नुकसान ये हो रहा कि जिहड़ी साडी संस्था बनाई सी सियासी, वह बनाई तो असी वार्ड बन के काम करन लई, लेकिन उस संस्था उस सियासी पार्टी ने इहदे उत्ते गलबा इन्ना कु बना लिया कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं वरत के उस समझ दिया कि असी सियासत जिहड़ी तकड़ी करनी, जिहड़ा सिखां दे विच वी ते आम लोकां दे विच वी रोह भी आंदा है। और मैं भी लंबे समय तो कहिंदी आ रही हां कि महसूस हुंदा सानूं कि सियासत जिहड़ी उह भारी हो गई उत्ते, ते धर्म जिहड़ी धार्मिक संस्था उह थोड़ी जी नुकसान विच आ रही है। उस सिधांतिक तौर ते लड़ाई लड़न वास्ते मैं काफ़ी लंबे समय तो जदोजहद कीती है। अज मैनूं थोड़ा जिहा महसूस होया जदों इह चोण आई है इस वारी, इहदे च मैनूं थोड़ा जिहा महसूस होया कि मैनूं इस तरह लगता कि जिद्दां कितें मैं दोषी पाई गई होवां। दोषी पाई दे मतलब तुसीं समझो कि होर पासे ना गल जायो, कि मैं जिहड़ी गल कीती सी मेरा ते काम इह सीगा कहिणा कि इहनूं डेमोक्रेटिक वे दे नाल इहनूं खुद मुख्तियार अते आजाद हस्ती तौर दे उत्ते काम करना चाहीदा। तो जिहड़ा प्रधान की चोण है वह लिफाफे चों निकल के सगा लोगों के सामने आना चाहिए ता जो उस इलाके दे लोग अपने मैंबर नूं कह सकन कि तुसीं किहनूं वोट पाउणी है, उन्हें सुचेत कर सकन। और जिहड़े नाल दे साथी हुंदे है वह इह सारी प्रीख्या विचों लंघ सकन कि कैंडीडेट जिहड़ा किहड़ा होना चाहिए। सगों उहदे च इह देखण च आया कि अज मैंबरां नूं इन्ना दबा के जां उन्हां नूं इन्ना प्रैशराइज करके उन्होंने फिर उस सियासी ताकत में ही वरत्या गया।
ना कि उन्होंने आजाद ढंग के वोट पाने का अधिकार दिता गया। हुण सब तो वड्डी जिहड़ी माड़ी गल इत्थे आई कि सारा अकाली दल दा ते ला दिता एक श्रोमणी कमेटी की प्रधानगी की चोण के उत्ते। जिहड़ी चोण अज 22 इलैक्शन हो रही ने वह 22 इलैक्शन भी छड्ड दित्तियां कादे वास्ते कि वख-वख पार्टियां कोलों उन्हां दा सहयोग लैके केवल तो केवल श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान की चोण जी जीती जा सके। तुसीं पुछोगे किस तरह और नरेटिव की सिरज्या गया कि बीबी जगीर कौर के पिछे सारिया सरकारां ने इन्ना प्रचार गलत किया गया। तो मैं तुहानूं दसना चाहनी है इस गल का सिर्फ एक मैं तुहानूं दसना ही सी कि मैं दर्जना मैंबरां दे नां लै सकदी हां जिहड़े कि वख-वख पार्टियां नाल संबंधित और उन्होंने वोट जिहड़ी सी उह सुखबीर सिंह दे बादल दे कैंडीडेट हरजिंदर सिंह धामी नूं पाई। दर्जना जिहड़ा माहौल उत्थे बनिया सी उह इन्ना सियासी माहौल बना दिता गया कि कदी असीं सोचिया नहीं सीगा कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे उस कंपलैक्स दे विच इस तरह का हालात बन के उत्थे सीधा नज़र आवे कि इत्थे सियासत भारू हुई है तो बाकी जी धार्मिक जथेबंदी है वह थले दबाव श्रोमणी अकाली दल की सारी जथेबंदी यूथ अकाली दल जी SOI उ इस तरह का हालात बने सन कि जिदा पता नहीं किड्डी वड्डी इस जंग दे विच गए हुई है। दूजी गल सारिया सियासी पार्टियां जे मैं गिनती करन लगा कांग्रेस कंप्रोमाइज की सीगा कि तुहाडियां असीं चोणां च मदद करांगे तां ही बाइकाट कीता ना। कांग्रेस के सीधे तौर पर दो मैंबर है साढ़े और दोनों मैंबर उत्थे पहुंचे होया नूं वापस कांग्रेस ने कराए वोट नहीं पाउण दित्ती। सरदार बलविंदर सिंह जी बैंस जिहड़े सी लुधियाने वाले वह चल पे गड्डी विच चल पे उन्हां कहा सी आ गए हैं टैलीफोन ते गल हुई। सुखजीत सिंह जी लोहगढ़ जिहड़े सन उत्थे मत्था टेकदे देखे गए पर दोनों नूं वोट पाउण तों रोकिया किहने रोकिया होगा उहदी पार्टी ने रोकिया होगा क्योंकि इन्होंने उन्हां दा साथ लैणा सी। आम आदमी पार्टी दे जिहड़े जिन्ने भी सन उत्थे लीडरां दे बंदे एक एक ने वोट जिहड़ी सी उधरले पासे पाई एक एक ने कले कले ने और ये BJP की गल करते हैं RSS की गल करते हैरानी की गल वेखो तुसीं जिन्नियां आउट ऑफ स्टेट्स साढ़े सीगे मैंबर ऑलमोस्ट जे कह दिए तो 99% मैंबर ने वोट जी सी उधर कास्ट की क्योंकि बाहरलियां स्टेटा विच राज जिहड़ा BJP का ही ज़्यादा मोस्टली एक अद्धे नूं छड्ड के मैं नहीं कह सकती क्योंकि मैं कले कले नूं ते कह नहीं सकती कि इन्हें पाई कि इन्हें नहीं पाई पर हैरानी की गल वेखो कि दर्जना जिहड़े बंदे सन ईवन साढ़े लीडर जिहड़े सी उन्हां दियां पहलां जिहड़ियां सी इंटरव्यूज करवाईआं गईआं तुहाडे चों भी किसी ने कीतीआं होणगीआं प्रो पंजाब वाले ने की प्राइम एशिया ने की साडे सरदार सिकंदर सिंह जी मलूका साहब ने 3 मीटिंग्स कीतीआं इंटरव्यूज कीतीआं और उन्हां दे विच उन्हां ने बार बार एक गल कही बार बार कि जी सुखबीर सिंह बादल तो बिना CM जिहड़ा बन नहीं सकता पार्टी चला ही सकता सानूं कट्ठिया ही होना पैना और अलायंस BJP नाल ही करना पैना। ये क्यों बार बार कहया जा रहा सी क्योंकि मैंबर जिहड़े सी इधरले पासे गए वह प्रैशराइज हो जाण कि किसी ढंग दे भी ये तो कट्ठे हो जाने तो असीं किद्दां फिर जाइए उत्थे। ये गल्लां दा इन्ना कु असर होया कि मैंबर जिहड़े सी दबे रहे और जिन्हां मैंबरां ने सानूं प्रोमिस किए सी जिन्हां ने अंदर बार बार के भी किया कि सानूं बाहर ना करियो क्योंकि सानूं दबाउणगे तो 55% मैंबर 55 मैंबर ऐसे है जिन्हां दे धियां पुत्तर उत्थे नौकरी करदे जिहड़ा कि बिल्कुल गैर कानूनी भी है बेनिजमी भी है भर्ती करा लैंदे आ हो गए बहुत सारे मैंजर लगे है कोई कुछ लगे उन्हां दा दबा इन्ना सी कि मैंबरां नूं उत्थे उन्हां दी मदद करनी। सिर मैं इस करके करना चाह मैं तुहानूं बुलाया जिहड़ा तुसीं वार वार सोशल मीडिया से सुनते भी जिन्ना ये बोल रहे सी कि बीबी के पिछे तो सरकार पंजाब की भी है बीबी के पिछे तो सरकार दूजी भी है जे वो सारिया सरकार मेरे नाल सी तो इन्हों वोटा कि चल गई जे सरकार ही मेरे नाल सी तो फिर एजेंसीज मेरे नाल काम कर रही सी कहिंदे जी उन्होंने बड़े लालच दिते जा रहे हैं बड़े दबाव पाए जा रहे हैं जो सारे मेरे नाल सी तो फिर इन वोटा चलिया कि गई।
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਿਆ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਆਪ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਆਪ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਬਾਈਕਾਟ 92 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ 92 'ਚ, ਤੇ ਵੋਟ ਪਈ ਸੀ ਕਿਸੇ MLA ਨੂੰ 3000, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2500, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2500, ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ MLA ਜਿਹੜੇ ਸੀ 2216 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਈਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੋਟ ਜੇ ਭੁਗਤੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣੀ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਬਾਈਕਆਊਟ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ BJP ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਤਾ, ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਤੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਨਨਾਣ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਤਿਓਂ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਰਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਟ ਨਾਲ ਉਡਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪੰਥ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਪਟੀ CM ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਦੂਜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਢਾਹ ਵੱਜੀ, ਤੀਜਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕਢਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੜਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਵਾਲੀ 'ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਲੀਹੋ ਲੱਥਿਆ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਬੜੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹ ਤਕੜੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ, ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਘੂਰੇ ਵੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਵੇ, ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਵੀ ਲਵੇ, ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਵੇ, ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਡਰ ਕੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੰਨੇਗਾ ਕੌਣ? ਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਆਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਨੇਗਾ ਕੌਣ? ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਆ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ,
मैं ये पहला भी कहती आई हाँ कि सियासी तौर के उत्ते जब तक साडा गवला गलबा नहीं लथना साडी उह धार्मिक जथेबंदी जिहड़ी है सही ढंग दे विच सही दिशा में काम नहीं कर सकेगी। सो अज सिर्फ मेरा इन्ना की मकसद सी ते मैं ये भी कहना चाहनी है कि सानू बैठ के जड़ियां विचारधारा गुरु नानक साहब ने दित्ती सी कि सानू सारियां नू एक दूजे दे नाल बैठ के विचारां करनियां चाहीदियां, संवाद करना चाहिए, थ्रैट नहीं करना चाहिए, किसी नीवा नहीं दिखाना चाहिए, किसी नू नुकसान ही पहुँचाना चाहिए। सानू सारे बैठ के सिर जोड़ के तो सानू सारे गल करनी चाहिए है कि असं कितने साडे च कमी है तो कितने नहीं। श्री अकाल तख्त साहब जथेदार ने इस करके तुहाडे वर्गे विद्वानों नू बुलाया, जर्नलिस्टां नू बुलाया कि सानू भी विद्वान दसन कि असी की काम करिए आने वाला ता जो साडा श्रोमणी अकाली दल पैरों पर खड़ा हो सके, श्रोमणी अकाली दल तकड़ा हो सके, असी सारे जिहड़ी जिस मकसद लिए बनाया सी उस मकसद ते असी पहुँच सकी। देखो सिस्टम जेडे मैंबर उथे साडे सी मैंबर उथे खलो गए क्योंकि भूंदड़ साहब लगातार उन्होंने इन टच रहे, बादल साहब नाल उन्होंने गलबात होंदी रही और उन्होंने सानू साथ देने का भरोसा भी दिता और सानू भरोसा भी सी। एन एक दिन पहला सारे जड़े मैंबर सन जिहड़ा कि वह उधरले पासे डाइवर्ट हो गए। बीजेपी की एक एग्जाम्पल मैं दस दिनी है कि मनप्रीत सिंह बादल बीजेपी के है, नवतेज सिंह कौणी उन्होंने बिल्कुल मैंबर है, उन्हें भी वोट उधर दिती। आम हरियाणे दे विच बीजेपी की सरकार है, ऑलमोस्ट सारे ही मैंबर जड़े सी उधरले पासे के, दूजे स्टेटा विचों भी जिथे जिथे बीजेपी दी सरकारां ने। तीजा जिहड़ा इत्थे दर्जना मैंबर होर ने मैं ना लवां चंगा नहीं लगता क्योंकि कल्ले कल्ले दी मैं वोट देखणो रही, पर जिहड़ियां 33 मैनूं पईआं होणगीआं उहनां चों इह दस दिण किहड़ा बंदा जिहड़ा कि बीजेपी दा, आम आदमी पार्टी दा साडे इत्थे अमृतसर दे सीगे जी सारे मैंबर इधर नूं पए, कांग्रेस के मैंबर सारे जी ने उत्थों भेज दिते, बीजेपी दा जिन्ने संबंधित सी तारे तकरीबन देखो टिकटां नहीं लईआं उन्होंने बीजेपी दीआं, मैं नहीं कहिंदी है सारे अकाली दल दे ही है, पर जिथे किसी की रली सी गल वह उथले पासे तुर गए। सो मैं ठीक है वोटर आजाद है, मैं नहीं कहिंदी वह भावें बीजेपी नाल संबंध है जां किथे वोटर ते आजाद है, पर गल यह है कि दूजे नूं क्यों कहण, ये क्यों कहिंदे सी कि बीबी बीजेपी सपोर्ट कर रही है, बीबी दी आम आदमी पार्टी सपोर्ट कर रही है, अज क्यों फिर उन्होंने वोटा पाई, अज क्यों उन्होंने पाइया, फिर यद मतलब भी इन्हों ही सपोर्ट से इन्होंने अलायंस से उन्होंने, और ये भी बार बार कहें जी अलायंस दे करना ही पैना है। इट मीनस के जो साढ़े नाल कोई बंदा बैठा होगा उदो कहें जी ये बीजेपी ने संबंधित है, और 23-24 साल आप बादल साहब ने सारा जरा सी बीजेपी के नाल सरकार भी हटाइया, मिनिस्टर भी रहे, साडे वर्गियां ने तो एक पैसे का काम नहीं कदी लिया, मेरी किसी ने सांझ ही नहीं, पर लोगों के इस तरह का माहौल बना देंगे है जिदा कि सारे मैंबर कितने बीजेपी के होन। मेरा कहने तो सिर्फ ये भाव है कि फायदा तो उन्होंने लिया तो बदनामी वास्ते प्रेस के इन्ना रौला पाया, लोगों के दिमाग च आता कहीं सच्ची मुची कोई गल होंगी। सो मैं तो वह गल की है तुहाडे नाल जी देखो आम आदमी पार्टी दे एग्जाम्पल देव पटियाले दे सी साडे कोहली साहब उन्होंने खास बंदा सी वोट पाई, अमृतसर चो इसे तरह उन्हें खास बंदे सी उन्हें वोटा पाइया, बीजेपी साडा अपनी चोन लड़ रही है निर्मल सिंह कालो का बेटा रवि करण कालो उन्होंने मैंबर से उत्थे सारे उन्होंने उधर वोट पाई, सारे बंदे जेडे संबंधित सी वोटा सारिया इधर पईआं। मैं नहीं कहती वोटर आजाद, मैं अज भी हुण भी कहनी है कि वोटर आजाद है, वोटर अकाली दल चो जित के आए हैं, लेकिन जे कहीए कि प्रैशर जरा मैनू कहने की की लोड़ सी इन्हों फिर लोगों से क्यों ये बनाते नैरेटिव क्यों गल कहते कि आर एस एस आ गई जी, सानू कोई वोट पा देगा तो आर एस एस आ गई,
बीजेपी आ गई, इन्हों सारिया वोटा पे हूं तो कौन पा गया फिर। देखो जी ये तो तुहानू भी सारे पता ही होंगे जिदा दीतिया ने तुम दसो रतन जी ने की इंटरव्यू, प्राइम एशिया वाले ने की, आनंदप्रीत ने इंटरव्यू, प्रो पंजाब वाले ने की इंटरव्यू, उस की दिस रहा सी कांग्रेस सारी बीबी ना रली है, हुण तुसी दसो भी कौन रलिया सी, फिर कौन रलिया सी दसो। बिलकुल ਅਸੀਂ ਆਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਆਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਹਟੂਗਾ ਫਿਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕਿ ਉਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਜਿੱਦ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿਣਾ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਜਿਹਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦਾ। जन्म देना है, जे पता हुंदा कि इत्थे इन्ना प्रेशर सियासी तौर ते पै जाना ते मैनूं लगदा फिर पहला ही ठीक सी जी। मैं निकलती रही, तो मैं कहती रही है ना भी यही तो नुकसान हो रहा है भी लोगों के जो सू पुछते हैं उत्थे भी कौन अज निकलूगा कौन अज निकलूगा तो सू लगता से भी गलती गल जाती है। मैं तो तुम आप कहती सी जो असं निकलते हैं ना जो सू पुछते लोग सवेर तक अज कौन निकलेगा लिफावे चो सू महसूस हों एक दिन पहला कह देना चाहिए, दो दिन पहला पता होना चाहिए ता जो लोग राय दे सकन। पर वो इदा लगता जिदा इन्हें तो इन्होंने तो करप्शन जन्म देता, इन्होंने तो इदा चोन ली जिदा सीएम लिए एम एल ए खरीदने होंगे जिदा एम पी खरीदने होंगे। अकाली दल का श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का शाना मता इतिहास रहा जी, बड़िया लड़ाइया लड़िया, बड़िया घोला लड़िया, मसंदा बाहर कटिया, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अलग बन गई, हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अलग बन गई, बार बार अकाली दल इन्हों का विरोध नहीं कर रहा। एक केंद्र सरकार ने आल इंडिया गुरुद्वारा एक्ट बनाने की गल की मसौदा किया गया, उदो अकाली दल ने क्यों विरोध किया? देखो वो अजे भी फाइल साढ़े को पई हुई है, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दफ्तर चो फाइल पई है जेड़ी बनी सी। देखो मैं ये तो नहीं हूँ कह सकती केड़ी है वो सेखों वाली है केड़ी है, पर वो फाइल पई हुई है। उदो जी दिमाग च इन्हों की गल पता नहीं क्यों आ जाती, मैं तो यह नहीं समझ आती कि जो सारिया स्टेटा बहर कट्ठे हो गए सिख तो साढ़े को प्रधानगी ने चल जाए नहीं रहनी तो पंजाब की है, सानू भी पता इस गल का भी रहनी पंजाब की है, लेकिन जे बादल चोन जनरल इलैक्शन नहीं कराते तो वह भी क्यों नहीं कराते? अज मता पैना चाहिए सी फिर श्रोमणी कमेटी के समा पूरा हो गया, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जनरल चोन होनी चाहिए है, क्यों नहीं कहते? क्यों नहीं कहते? क्योंकि 11-13 साल के जो मैंबर है ना जी, वो इन्होंने बिल्कुल अपने हाथ ठोके जिस तरह होंगे उन्होंने बना बना के किए हैं, तो उन्होंने डरा भी लेंगे तो खिंच भी लेंगे किसी ना किसी लीडर के प्रभाव थले है। नहीं देखो सारों साहब ने नहीं करानिया, ये उत्तों होम मिनिस्टर ने अलाउ करना, इन्हों के नेड़े होगा कहना चाहिए, मेरे नेड़े कितों आ गए, मेरा उन्होंने की संबंध है जी दसो।
ना मैं मिनिस्टर रही, ना मैं एम पी रही, ना मैं कभी गई, मेरे नेड़े कित्थों आ गया। ऐही तो गल है जिहड़ी लोगों ने तुहाडे मन च इन्होंने पाई है बोल बोल के। ना मेरा कोई होम मिनिस्टर नाल संबंध, ना किसी पी एम नाल संबंध, ना मैं कोई जानती। मैं अज बेनती करती तुहाडे राही कि तुरंत जिहड़ी है चोण जनरल इलैक्शन कराई जाए। अणख ते गैर ते बना के रखनी पौगी, पंथ दे मसले ते आपां हल कराउणे कि नहीं कराउणे। जे उहनां नाल संबंधित जिहड़े मसले है उही हल करनगे, देश दी सरकार दे जिहड़े मसले है देश दी सरकार ही करेगी। जे बंदी सिखां दी रिहाई दी गल करदे आ ते देश दी सरकार ने इहनूं हल करना। जे राजोआणे दी फांसी दी गल करदे वी इहनूं माफ करके ते उम्र कैद कीती जावे ते कौन हल करेगा? उही करनगे ना। इस जद तक साडा सारी ताकत नहीं होएगी, जद तक साडे कोल हिम्मत नहीं होएगी, ते असीं किद्दां उहनां कोल करा लांगे हल? जे असीं पाटे रहे, जे असीं इदां लीरो लीर हुंदी रही, अकाली दल खतम ही हो गया, ते फिर साडी ताकत किद्दां बणेगी? बाबा नानक दे पास समय अनुसार संवाद करन दी गल कही है जी। कुछ इथे दे भी हैगे ते ओ नॉमिनेट कीते जांदे आ। आम आदमी देखो पार्टी दे जित के कोई भी नहीं आए, वो अकाली दल दे ही है। लेकिन जेडे एमएलए बने हैं जां मिनिस्टर बने हैं उन्होंने इलाकियां दे मेंबर जेडे है कुदरती तौर ते उत्ते दे इंप्रेशन थले रहिंदे है। कितने 5-10 ते होणगे जी। हां जी, नहीं नहीं मेरा कहने तो भाव के जेडे एमएलए मिनिस्टरां दे नाल संबंधित इस वेले होणगे ते इन्ने कते हुंदे ही है। पंजाब सरकार अक्सर उन्हां दे एमएलए है मिनिस्टर है उन्हां दे नाल ते बंदे होणगे ही। हुणे हुणे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी चोण हो